हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह चाय बन रही है, चाय पीते हैं, उसके बाद अदरक वाली चाय। अदरक वाली। हाँ, और थोड़ा सा बाबू का तबीयत हल्का सा जुकाम कम हो गया मेरे से। मेरे 2-3 दिन से तबीयत खराब थी, उसके वजह से मैंने उसको छू लिया। इन्होंने इन्होंने गलती से पूछ ही कर दिया बाबू को। और कल कल शाम को वो छींके ले रहा था थोड़ा थोड़ा, और रात को उसको जुकाम पकड़ लिया, क्योंकि ये पापा और बेटे का ब्लड ग्रुप एक ही है बहुत जल्दी, क्योंकि मेरे को हुआ था तो उससे तो नहीं हुआ बाबू को। हाँ, इसको हुआ था तो नहीं हुआ था, मेरे से हो गया था। मेरे दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है। हाँ, मेरा ये पॉजिटिव है, उसका भी पॉजिटिव। हाँ, तो तुरंत बाप बेटे उसको भी जुकाम हो गया ना। हाँ। ना कि उसके जब सो रहा है ना तो बच रहा है, मतलब उसके लड़कर इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो सोया हुआ है अभी, लेकिन उसको प्रॉब्लम है। उसको ऐसे करना ना, हीटर की तरफ इधर रख देना। नहीं, तो जब जल्दी चाय बनाओ, पीते हैं। आज लेट भी हो जाऊंगा मैं, ऐसे क्योंकि लेट ही हम लोग जगे हैं। आज लेट हो गए, लेट हो गए, बहुत लेट हो गए। बाकी मैं देख रही हूँ आप लोग भर भर के प्यार कर रहे हैं, आप हमारे ब्लॉग देख रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। आप देख रहे हैं हमारे ब्लॉग तो भर भर के प्यार कर रहे हैं, मतलब कमेंट्स की बात नहीं करूँ, मतलब आप अपना टाइम दे रहे हैं, हमारे ब्लॉग देख रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छी लग रही है। इसी तरह से आप अपना प्यार बरसाते रहिए हमारे, और हमारे चैनल को आगे आगे करते रहिए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और कमेंट्स भी कीजिएगा। तो बात बोल चुकी हूँ मैं। चलो चलो, चाय छान लो। हाँ, चाय छान लो। चलो सबको हाय बोलो बेटा, हाय बोलो। ए देखो, हमारा किशु उठ गया है, उठ गया है। मैंने इसका डायपर वाइपर चेंज कर दिया है। अभी तो डॉक्टर से हमने बात की थी, जो इसका डॉक्टर है, तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा दवाई ववाई कुछ नहीं देना है एक्स्ट्रा। ऊपर से एक नेजल ड्रॉप आता है, तो ये ड्रॉप इसके बचपन से हम देते हैं, तो यही इसको देना है, दवाई वगैरह कुछ नहीं देना है। तो बस मेरे को थोड़ा फिकर थी, पता नहीं क्या डॉक्टर बोलेगा ऐसा ऐसा। तो उसके पापा का था, तो इसको हो गया, तो जल्दी जल्दी खाना वाना बनाई, तो वो सूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मुझे इधर ज़्यादा फिकर थी, पता नहीं ये उठ जाएगा, फिर इसको देखना है क्या नहीं है, तो टेंशन रहती है ना बच्चों को, थोड़ा सा तबीयत ख़राब होती है तो परेशानी। इधर ही आज इसके पापा ने बोला, तुम इसको ले कर बैठना, आज कुछ मत करना। देखो इसको, किशु लड्डू, मेरा लड्डू, नाक बंद हो रखा है, ना 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 ना, इसके पापा चले गए। पापा ने इसके बोल के कहा, कुछ मत करना, तुम इसी को देखना आज। किशु अभी खेल रहा है, ये रहा। अभी मैं सोच रही हूँ इसको ऊपर ऊपर से ना मालिश कर दूँ, कपड़ा ना खोलूँ, कपड़ा चेंज कर दूँगी, और तेल भी मैंने गरम करके ले आई हूँ, और सोच रही हूँ इसका ना मालिश कर देती हूँ, ताकि थोड़ा सा इसको आराम लगे। अभी बस मालिश करके इसको फिर, अभी तो मैंने भी नाश्ता वास्ता नहीं किया है, 12:30 हो गए। अब बाबू का तबीयत ठीक नहीं है, मन नहीं कर रहा है ऐसे, तो खाना तो पड़ेगा, क्योंकि फीड लेता है बार बार। आ बच्चा, मेरा बाबू, मेरा बाबू। इसको मालिश कर देती हूँ पहले मैं। ये देखिए, किशु सो गया है, और इसका कपड़े वपड़े चेंज कर दिया, मालिश वालिश करके अभी ये सो गया है। अब इसको सुला दूँगी, 1:30 बज गया है। अब मैं जा रही हूँ कुछ बना लेती हूँ, खा लेती हूँ, क्योंकि आज एक्चुअली फ्राइडे है, तो फ्राइडे मैं लहसुन प्याज कुछ नहीं बनाती घर पे, तो प्लेन खाना बनता है, जैसे लहसुन प्याज बिना। तो मैंने कल की जो गोभी की सब्ज़ी बना ली, दाल बना लिया, थोड़ा सा सोच रही हूँ गर्म गर्म चावल बना के खा लेती हूँ, क्योंकि ये सोया हुआ है, सो रहा है, उठ रहा है, इसका नाक एक्चुअली बंद है, अभी तो उसको दिया है ड्रॉप। चलिए फटाफट कर लेती हूँ, अभी सो गया है बेचारा। स्माइल भी दे रहा है नींद में। ये देखिए, किशु बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है, 4 बजने वाला है, मैंने खाना भी नहीं खाया अभी तक। ये चाहता है कि गोदी में रहे हमेशा, क्योंकि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन सा है ना, तो वो चाहता ही है कि माँ की गोदी में रहे।
बट मैं ये थोड़ा सा छोड़ा था मुझे, तो मैं जाके जो कल की चावल थी उसको मैंने गरम कर लिया सब्जी के साथ ही। अब ये सोएगा फिर से, फिर खाऊंगी, फिर गरम करके ठंडा हो जाएगा। मैंने गरम करके देख रहा है कैसे, मतलब टा छोटू ऐसे ठीक है पर चिड़चिड़ा हो चुका है, उसका नाक बंद रहता है तो क्या करें आप। तो नाक तो उसको वो जो ड्रॉप देती हूँ तो खुल जाता है, ठीक रहता है। अभी इसको चाहती हूँ थोड़ा सा खेले तो मैं खा लूँगी, तो नहीं खाऊँगी दूध कैसे होगा। लड्डू देखो एक दिन में कैसा हो गया ये। मैंने अपने लिए खाना थोड़ा सा गरम कर लिया है कि मैं जल्दी जल्दी करके मैं खाना गरम करके जस्ट खाना गरम किया। ये देख रहे कल का चावल था, सब्जी तो सुबह का था, इसको मैंने गरम कर लिया है। और इधर दाल भी गरम कर लिया, दाल पीने से पहले की बात, दाल गरम कर लिया है मैंने। दाल पीना चाहती थी मैं, दाल इसलिए पीना चाहती थी ताकि बच्चे को मिल्क अच्छा से मिले। और जो कल का कपड़ा था सुबह सुखाया था मैंने, अभी फटाफट लेके आई अंदर, जब देखा जाके देखे तो उड़ गया यार, बाकी कपड़े कुछ ऐसे ही है बाहर। लाइट भी चली गई, कैसे कैसे करके जल्दी जल्दी खाना खा लिया क्योंकि मुझे दो दिन से थोड़ा सा चक्कर चक्कर से भी आ रहे थे, बिकॉज आयरन कैल्शियम की गोली है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था आफ्टर डिलीवरी के बाद 3-4 महीने तक खाना है, उनके पापा आएंगे तो डांट लगाएंगे, टाइम से खाना नहीं खाती है, टाइम से दवाई नहीं खाती है, फिर बोलते चक्कर लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। टाइम से तो खा लेती हूँ, कभी कभी होता है कि छूट जाता है, मैं नहीं खा पाती तो भूल जाती हूँ एक्चुअली ना, एक्चुअली किसी के पीछे 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 लगे रहो। तो आज भी मैं टाइम निकल गया, खा नहीं पाई, अब रात को खाऊंगी सीधा। किशो लड्डू थोड़ा सा ये होता है ना बंद कमरे में, देखिए इसको बंद कमरे में रहने से बच्चा को थोड़ा सा घुटन सी होती है, तो लाइट भी चली गई तो मैंने थोड़ा सा पर्दा वर्दा खोल दिया ताकि थोड़ा सा जो धुआं धुआं सा जो माहौल होता थोड़ा सा ठीक हो जाए, इसको भी थोड़ा सा वो मिले धूप जैसे। देखिए इसको, ओहो ओहो कपड़ा बोलता कि मुझे इस टाइम पे घुमाओ, कहाँ घुमाऊँगी इसको, अभी मैं पूरा पैक करके रखा है, पोटी कर दिया था, साफ अप कर दिया। आ मेरा बच्चा, अल्ले मेरा बेटा, कहाँ हो गया बाबू को, जुखाम जुखाम लग गया। आ? कभी कभी होता ना जितना भी ध्यान दो माइंड से कुछ ना कुछ स्लिप हो जाता है, इनके पापा के माइंड से भी स्लिप हो गया कि उनको जुखाम लगी थी, बस थोड़ा सा पूछी कर दिया, बस इसको पकड़ लिया। ना 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 ना, क्योंकि मैं तो अपना बहुत ध्यान रखती हूँ क्योंकि ठंडी ना लगे इसको। देखिए यहाँ पे माँ बेटा थोड़ा देर लेट गए हैं, अब इसके साथ में लेटी हूँ, थोड़ा देर खेल रहा है, ये खेलेगा, इससे बात करूँगी, देखो देख कैसे रहा है। देखिए कौन है लड्डू, किशु कौन है, किशु के साथ कौन है, मम्मा 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 मम्मा, आ आ मेरा बेटा, कहाँ हो गया मेरे बाबू को, जुखाम जुखाम लग गया, ले बाबा ले लड्डू, ये कौन है, ये लड्डू, ये लड्डू कहाँ से आया, आले 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 मेरा बेटा, कौन है ये लड्डू कौन है, ये लड्डू कौन है, हाँ बोलो बोलो, आज तुमने किसी को हाय भी नहीं बोला, हाँ क्या हुआ, हाँ किशो किशो लड्डू मेरा, अपने आप को देख रहा होगा ना ये इसमें कैमरा में, तभी देख देख के चौंक रहा है। ए किशो लड्डू अभी उड़ गया है, थोड़ा तबीयत उसका ठीक लग रहा है, अभी उसके साथ मैं खेल रही थी तो खेल रहा था, उसको टमी टाइम दिया है, उसको उल्टा लेटा रखा है मैंने, डॉक्टर बोलते टमी टाइम देना चाहिए बच्चे को ताकि वो थोड़ा मुंडी उंडी इधर घुमाए, तो देखे वो अभी सर घुमा रहा है,
उसका सर पे थोड़ा तेल रखा है, सुबह से टोपी लगाया हुआ था तो देखा तो मैंने सर पे तेल नहीं है, सूख गया है जो यहाँ पे उसका जो ताल होता है ना यहाँ पे फपकता है जो है, तो वहाँ पे तेल रखा है अभी। कौन है वहां पे, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, लड्डू है, गौर से देख रहा है, क्या देख रहा है गौर से, बेटा बेटा मेरा, अले किशु, अले मेरा किशु, अले मेरा किशु, मैं इसको आज दिन भर लेके बैठी हूँ। आज तो मैं थोड़ा आराम भी नहीं कर पाई, इसे बैठे 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 के साथ इसके साथ टाइम बीत गया, और घर पे काम कुछ नहीं हो रखा है, किचन भी साफ नहीं हुआ है अच्छे से, कुछ भी नहीं हुआ है आज। चक्कर क्यों आ रहे हैं? पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे हैं मेरे को, एक दो दिन से चक्कर ही आ रहे हैं। तो खाती वाती होनी है, चक्कर ऊपर नहीं आएगा। तुम्हारा क्या कहने का मतलब, चक्कर आने का मतलब क्या है, एक ही होगा थोड़ी थी। तो खाती थोड़ी है, तुम खाया करो थोड़ा सा। तो खाते नहीं हूँ बाबू के, उसके वजह से भी चक्कर आते होंगे। जैसे तबीयत खराब था बाबू का, और अभी सर पूरा दिन परेशान किया है ना। परेशान क्या है, जब तक गोदी में सोता था सिर्फ गोदी में सोता है, नीचे रखो तो उसको मतलब, अब जैसे बड़े इंसान को भी हो जाता ना मन चिड़चिड़ा, साथ में कोई रहे तो अच्छा लगता है, तो इसको भी वही होगा ना, साथ में अब माँ रहे या कोई भी रहे तो इसको अच्छा लगता है। अभी तक फिलहाल ठीक है, वो घर 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 नहीं कर रहा है ना, बेबी विक्स है, इसको डॉक्टर से हमने, बेबी विक्स है देखो आप, ये डॉक्टर से मैंने पूछा है इसके बारे में, तो उन्होंने बोला कि हाँ रब कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है ना बच्चे को ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि वो हाथ मुंह लगाता है, मतलब हाथ हर जगह लगाता है, तो आँख में लगा लेगा तो इरिटेट फील होने लगेगा। तो बट ये है 3 मंथ के बच्चे भी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि The gentle Vicks baby rub formula is specially developed for babies 3 months and above. Contains aloe vera, coconut oil and fragrance of lavender, rosemary and ये सारी चीज़ें। Direction है इसका, gently massage on chest, neck, back and soles of feet. Don't use directly on face, broken skin, in mouth और यही सारी चीज़ें लिखा हुआ है। Externally use नहीं करना है आपको, और kids से दूर रखना है, तो इसको आपको आपको यूज करना है इसी तरह से, ठीक है। तो अभी हम यूज करेंगे, थोड़ा सा नाक में लगाएंगे, फोरहेड पे लगाएंगे, डॉक्टर ने बोला कि हल्का सा एकदम नोज पे लगाना है, और फिर फोरहेड पे लगाना है, और फिर चेस्ट पे लगाना है। बट ये है कि बच्चे वाले घर पे होना चाहिए, हाँ ये होना चाहिए हमेशा, ये यूज होता है। कभी कभी ना मैंने देखा है कई जगह में कि वो दो बड़ों का भिक्स आता है वो बच्चे को लगा देता है, वो नहीं, नहीं लगाना, वो नहीं, वो स्किन खराब कर देगा बच्चों का, स्किन नहीं वो नहीं लगाना चाहिए, लगाना नहीं चाहिए, बच्चों के लिए बना ही नहीं है, बड़ों के लिए बना है, बड़ों की स्किन के लिए बना हुआ है, तो रेसेस आ जाएंगे बच्चों पे अगर आप वो वाले यूज करते हो तो। उसका कुछ अलग, ये लाइट है, इसका स्मेल भी, उसका अलग होता है थोड़ा सा, स्मेल भी बहुत अच्छी है, ये खुशबू अच्छी है इसकी, ये सिर्फ बच्चों के लिए ही बना है गया हुआ। इसको अभी बाबू जगेगा तो इसको यूज करेंगे, और थोड़ा सा क्योंकि रात में सोएगा ना तो थोड़ा आराम मिलेगा इसको, तो चेस्ट पे बैक इसको यूज कर सकते हैं, और फोरहेड पे थोड़ा सा नाक में लगा दिया, ताकि ये फिर रात में अच्छे से नींद ले सके, ठीक है। और फीड भी अच्छा करे, बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाते हैं तो फीडिंग भी बंद कर देते हैं, बिकॉज वो घींच नहीं पाते हैं। चलो खाना उन्हें खाया करो, चक्कर उक्कर मत लगाया करो, ठीक है, इसको चक्कर आ रहा है दिन भर में, खाना उन्हें खाया करो, ठीक है। एक्चुअली ये आयरन और कैल्शियम की गोली भी डॉक्टर ने कहा था कि आफ्टर बेबी के बाद खाना है, पर ये ला के रखे, मैं टाइम से लेती नहीं, रोज खाती होती नहीं, अपना खाना खाती है टाइम से, मुझे कॉल करके पूछना पड़ता है खाना खाई नहीं खाई, और अकेले भी है तो इसलिए दिक्कत भी, बाबू रोने लगता है तो फिर खाना खाने में लेट हो जाता है, लेट सवेरे होता है।
चलो अपन डाउट होते रहते हैं, तो चलता रहेगा। आज का ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं, और एक्चुअली ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाता है और हम काटने की कोशिश करते हैं कि कट कर दे, ये कट कर दे, लेकिन हमें लगता है कि हमें अच्छा लगता है, बताना चाहिए, अच्छा शेयर करना चाहिए, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। अब थोड़ा सा पेशेंस करके देख लिया करें, और हमें अच्छा लगता है आप लोग देखते हैं, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए आपको आज के लिए बाय करते हैं, और आप भी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबके साथ खुशियाँ बांटिए और अच्छे अच्छे हेल्दी रहिए, खाते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाय बाय।